नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चलिए जानते हैं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरों को। मन की बात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को दी दो टूक नसीहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह रेडियो पर एक बार फिर से मन की बात कार्यक्रम का संबोधन किया था। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि मन की बात में बहुत सारे विषय पर बात की गई है। उन्होंने परेशानियों का जिक्र करते हुए कहा कि हो सकता है कि ऐसी बातचीत के कुछ कारण भी हो। हम कहां जानते थे कि कोविड-19 जैसे माहौल उत्पन्न हो जाएंगे। देश में नई चुनौतियां सामने आ रही है। देश के पूर्वी छोर पर तूफान ने सबकी परेशानी बढ़ा रखी है। वहीं किसान भाई टिड्डी दल की वजह से परेशान है। देश के छोटे छोटे जगह पर धरती कांपने के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। इन सब के बीच पड़ोसी जो कर रहे हैं, देश उससे भी निपटने में लगा हुआ है। इतना ही नहीं, उन्होंने आज यह भी कहा कि लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाने वालों को करारा जवाब मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। भारत में बीते 24 घंटे में लगभग 20,000 मामले आए सामने। भारत में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ 19,906 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद भारत ने कोविड-19 संक्रमितों की संख्या 5,28,859 पर पहुंच गई है। वहीं कोविड-19 से अब तक 3,09,713 मरीज भी ठीक हो चुके हैं, यानी कि अब तक भारत में 2,03,051 लोग प्रभावित हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने यह भी साफ तौर पर कहा है कि देश में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या इस बात का साफ संकेत है कि अब तेजी से कोविड-19 की जांच हो रही है। ICMR के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 27 जून तक 82,27,802 लोगों की कोविड-19 जांच की जा चुकी है। चीन से अलग होने के लिए भारत को ढूंढनी होगी दूसरे देश से व्यापारिक संभावना। भारत चीन के बीच उत्पन्न हुए तनाव के बाद लगातार भारत के अंदर से चीनी सामान को पूरी तरीके से बंद करने की आवाज सुनने में आ रही है। हालांकि भारत के इस इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला है। किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले भारत में चीन के व्यापार की उपस्थिति पर ध्यान देना जरूरी होगा। प्रौद्योगिकी क्षेत्र की बात करें तो देश के 30 में से 18 यूनिकॉर्न कंपनियां चीन द्वारा वित्त पोषित है। भारतीय स्टार्टअप्स में करीब चीन के $4 अरब का निवेश किया हुआ है। ऑटो सेक्टर में चीन की उपस्थिति अभी तक ठीक नहीं थी। हालांकि भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के संभावित बदलाव ने उन्हें भारत में अपना इलेक्ट्रॉनिक बसों को आगे बढ़ाने का मौका दे दिया है। अगर भारत ऐसा करने के बारे में सोचता भी है तो उसे पहले दूसरे देशों के साथ व्यापारिक संबंध बनाने जरूरत होगी। अहमद पटेल ने 8 घंटे चली पूछताछ पर दिया अपना बयान। स्टर्लिंग बायोटेक मामले में 14,500 करोड़ रुपए के बैंक ऋण में हुए फेरबदल को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सोनिया गांधी के पूर्व राजनीतिक सचिव अहमद पटेल प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने 8 घंटे लगातार पूछताछ की है। इस पूछताछ के बाद कांग्रेस सांसद अहमद पटेल ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दोस्त मेरे घर आए थे। मुझसे जो सवाल पूछा गया मैंने उसका जवाब दिया है। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए विपक्ष पर निशाना साध रही है। मुझे अधिकारियों के प्रति दया आती है जिनका इस्तेमाल ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। ऐसे समय में जब चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की है और उस जमीन को वापस हासिल करने के बजाय सरकार विपक्ष के नेताओं के पीछे पड़ी है। महेंद्र सिंह धोनी आए नए अंदाज में नजर। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट से काफी ज्यादा दूर दूर चल रहे हैं। वहीं इसी बीच महेंद्र सिंह धोनी IPL के माध्यम से वापसी करने वाले थे, मगर कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण IPL का आयोजन स्थगित कर दिया गया है। हालांकि इसके बावजूद महेंद्र सिंह धोनी आए दिन किसी न किसी मुद्दे को लेकर चर्चा में जरूर बने रहते हैं। एक बार फिर से धोनी की चर्चा जोर शोर से सुनने में मिल रही है। इस बार धोनी अपने नए अंदाज के लिए खबरों में बने हुए हैं। धोनी का नया लुक ट्विटर हैंडल पर धोनी के फैंस ने शेयर किया है, जिसमें धोनी बड़ी बड़ी दाढ़ी में नजर आ रहे हैं। साइड से कटिंग भी कराई हुई है। हालांकि पहले जो दाढ़ी सफेद थी वो अब उतनी सफेद नहीं दिखाई दे रही है। वहीं महेंद्र सिंह धोनी की इस नई तस्वीर को उनके प्रशंसकों ने काफी ज्यादा पसंद किया है और कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी लगातार देखने को मिल रही है। कोविड-19 के रोकथाम के लिए दिल्ली में मास्टर प्लान हुआ तैयार। दिल्ली में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में दिल्ली में 2900 से ज्यादा मामले सामने आए थे, जबकि 66 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद दिल्ली में तेजी से पैर पसार हुआ। कोविड-19 के रोकथाम के लिए केंद्र के साथ मिलकर दिल्ली सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। दिल्ली में तेजी से बढ़ते कोविड-19 संक्रमण ने लोगों को बुरी तरह प्रभावित कर रखा है। यहाँ हर दिन 3,000 के लगभग मामले रोज सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में छतरपुर में मौजूदा राधा स्वामी सत्संग व्यास मैदान को कोविड-19 के लिए समर्पित कर दिया गया है। इस सदर पटेल अस्पताल को कोविड-19 सेंटर के नाम से बनाए गए इस अस्पताल में 10,000 बेड की व्यवस्था कर दी गई है। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में कोविड-19 के टेस्ट भी बढ़ाए गए हैं। अरविंद केजरीवाल के मुताबिक शनिवार को एक दिन में 21,144 टेस्ट करवाए जा चुके हैं। एम्स डायरेक्टर ने मॉनसून के दौरान कोविड-19 प्रभावितों की संख्या में कोई बदलाव नहीं आने की कही बात। एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने मॉनसून आने के साथ ही देश में कोविड-19 के बढ़ने के सभी अटकलों पर ब्रेक लगा दिया है, जिसके तहत उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मॉनसून आने के साथ ही देश में कोविड-19 के संक्रमण में कोई बदलाव नहीं होने वाला है, क्योंकि बीते काफी लंबे समय से यह दावा किया जा रहा था कि नमी भरे मौसम की वजह से मॉनसून सीजन में कोविड-19 का प्रसार तेजी से बढ़ सकता है। डॉक्टर गुलेरिया ने इस पर कहा है कि मॉनसून के समय में कोविड-19 संक्रमण की रफ्तार में कोई खास बदलाव नहीं होगा। मई से पहले
पहले आईआईटी मुंबई में दो प्रोफेसर ने एक अध्ययन में दावा किया है कि ह्यूमिडिटी भरे वातावरण में यह संक्रमण रफ्तार पकड़ लेता है। वहीं डॉक्टर गुलेरिया ने यह भी आगे कहा है कि जब गर्मी का मौसम आया था तो लोग कह रहे थे कि संक्रमण रुक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यही हाल मानसून में भी देखने को मिलेगा। शरद पवार ने राहुल गांधी को राजनीतिकरण नहीं करने की दी सलाह। राकंपा प्रमुख शरद पवार ने बीते दिन अपने ही दल के कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दो टूक नसीहत देते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दे पर राजनीतिकरण नहीं करने की नसीहत दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। यह कोई नहीं बोल सकता है कि चीन ने 1962 के समय में भारत के लगभग 45,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था और आज तक वह उसी के कब्जे में है। लद्दाख में गलवान घाटी में जो भी हुआ उसमें रक्षा मंत्री की नाकामी बताने में जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए। हमारे चीनी सैनिकों को घुसने से रोकने में सफल उपाय हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, पूर्वी लद्दाख में 15 जून को चीनी सैनिक के साथ हुए वाकये में भारत के 20 सैनिकों की जान चली गई थी। पेट्रोल डीजल की कीमत में 22वें दिन मिली थोड़ी राहत। कोविड-19 के माहौल के बीच बंद में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। बीते 21 दिनों में हर रोज पेट्रोल डीजल की कीमत में भारी इजाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि 22वें दिन पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत में थोड़ी राहत मिली है, यानी कि रविवार को 5वें दिन डीजल पेट्रोल के दाम में कोई बढ़ोतरी दर्ज नहीं की गई है, जिसके बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 80.38 रुपए प्रति लीटर मिला। वहीं डीजल 80.40 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं पिछले 21 दिनों से हर दिन कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है, जिसके बाद डीजल 11 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो चुका है। वहीं पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए तक की बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं दूसरी तरफ लगातार पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी देखते हुए सरकार विपक्षी दल पर निशाना साधती आ रही है। जोमैटो के कर्मचारियों ने विरोध के दौरान कंपनी की टी शर्ट को किया बर्बाद। जोमैटो के कुछ कर्मचारियों ने गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुए वाकया के बाद 20 भारतीय सैनिकों की जान जाने पर अपना विरोध प्रकट किया है, जिसके तहत शनिवार को कोलकाता में कंपनी की टी शर्ट फाड़ी गई और साथ ही सभी टी शर्ट को काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंचाया गया है। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने जोमैटो की नौकरी छोड़ दी है क्योंकि इसमें चीनी कंपनियों का निवेश है। साथ ही उन्होंने लोगों से जोमैटो के जरिए भोजन का ऑर्डर नहीं करने का अनुरोध किया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, चीन की कंपनी अलीबाबा से एंड फाइनेंस ने 2018 में जोमैटो में 21 करोड़ डॉलर का निवेश किया था। उसमें 14.7% साझेदारी खरीदी थी। उन्होंने हाल ही में इस फाइनेंशियल से 15 करोड़ डॉलर राशि जुटाई है, जिसके बाद विरोध में शामिल एक व्यक्ति ने कहा है कि चीनी कंपनी हमसे पैसे कमा रही है और हमारे ही सैनिकों के साथ ऐसा बर्ताव कर रही है, इसलिए हमने इस कंपनी के साथ काम नहीं करने का फैसला किया है। भारत में टिड्डी दल का समूह लगातार बढ़ा रहा है किसानों की परेशानी। पाकिस्तान से निकले टिड्डी दल ने अब भारत में बर्बादी फैलाना शुरू कर दिया है। भारत में इस समय करीब 1 दर्जन से अधिक टिड्डी दल राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा के इलाकों में सक्रिय नजर आ रहे हैं। बीती रात यह दल हरियाणा में देखे गए थे और अब उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आज सुबह गुरुग्राम, फरीदाबाद और दिल्ली के कुछ इलाकों में टिड्डी दल को देखा गया है, जिस पर टिड्डी चेतावनी संस्थान के डिप्टी डायरेक्टर KL गुज्जर ने साफ तौर पर कहा है कि वर्तमान समय में 1 दर्जन से अधिक टिड्डी दल सक्रिय है। इनके नियंत्रण में पश्चिमी हवाएं सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। अगर तापमान थोड़ा कम होता है तो यह टिड्डी दल के मेटाबॉलिक एक्टिविटी थोड़ी कम कर देती है, मगर पश्चिमी हवाओं के सहारे यह दल आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर सफर कर रहे हैं, इससे इनको रोकना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। महंगा हुआ टीवी फ्रिज। चाइनीज सामान पर भारत इतना ज्यादा निर्भर हो चुका है कि चीनी सामान पर रोक लगाना भारत के हाथ में अब नहीं है। गलवान घाटी में हुए वाकया के बाद कस्टम विभाग में चीन से आयातित होने वाले सभी सामानों का 100% वेरिफिकेशन का आदेश दिया है, जिसके तहत फिजिकल वेरिफिकेशन में टाइम काफी ज्यादा लग रहा है और यही कारण है कि सप्लाई चेन में रुकावट आई है। उससे इलेक्ट्रॉनिक सामान एक बार फिर से महंगे हो गए हैं। बंद के बाद से टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों की ज्यादा खरीदारी देखी गई है, मगर लगातार महंगे उपकरण मिलने के कारण इसकी बिक्री भी प्रभावित होती नजर आ रही है। जानकारों की माने तो टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन जैसे सामानों की कीमत में 10-12% तक बढ़ोतरी देखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन को बताया कारगर। कोविड-19 के बढ़ते माहौल के शुरुआती समय में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में बंद का फैसला सुनाया था, जिसके बाद जरूरी सामानों को छोड़कर सभी तरह के काम को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से निपटने के लिए शुरुआती चरण में लगाए गए बंद को सफल करार दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि कोविड-19 के खिलाफ भारत के नागरिकों द्वारा उठाया गया हर कदम इसके रोकथाम में कारगर साबित हुआ है। बंद के फैसले ने भी भारत में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण और संभावित संक्रमण पर लगाम लगाया है। इतना ही नहीं, हमारे देश ने कोविड-19 के इस माहौल का सदुपयोग देश को आत्मनिर्भर बनाने में भी किया है। उत्तर प्रदेश टॉपर्स को 1-1 लाख का मिलेगा इनाम। बीते दिन उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया गया था, जिसके बाद जिन छात्र छात्राओं ने टॉप किया है उन्हें उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से छोटा सा इनाम दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने इस बात का ऐलान जारी कर दिया है और कहा है कि टॉप 10 मेधावियों को सरकार की तरफ से 1 लाख, 1 टैबलेट और उसके गाँव या शहर जहाँ रहते हैं वहां पर उनके नाम से गौरव पथ सड़क निर्माण होगा, ताकि उनका सम्मान और दूसरे छात्र छात्राओं को भी प्रेरणा मिले। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि मेरिट में 10वीं और 12वीं के छात्रों के नाम पर उनके गाँव या कस्बे में सड़क बनेगी तो दूसरे
छात्र पढ़ने के लिए इच्छा जाहिर करेंगे ताकि उनका भी नाम आने वाले समय में इस तरीके से याद किया जाए। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी कि यूपी बोर्ड ने शनिवार को हाईस्कूल और इंटर का परिणाम घोषित कर दिया था, जिसमें हाईस्कूल की टॉपर रिया जैन को 600 में से 580 अंक मिले, वहीं इंटरमीडिएट के टॉपर अनुराग मलिक को 500 में से 450 अंक मिले। सुशांत सिंह राजपूत के घर वालों से दोबारा हो सकती है पूछताछ। सुशांत सिंह राजपूत द्वारा उठाए गए कदम की छानबीन करने के लिए मुंबई पुलिस एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत के घर वालों से पूछताछ कर सकती है, क्योंकि पुलिस को नेपोटिज्म पर पूरी तरीके से शक है कि बॉलीवुड में चल रहे माहौल के कारण सुशांत सिंह राजपूत ने अवसाद में आकर यह कदम उठाया है, जिसके बाद इस सिलसिले में मुंबई पुलिस लगातार लोगों से बातचीत भी कर रही है। यशराज में आशीष सिंह और आशीष शर्मा से पूछताछ भी चल रही है और सुशांत की 3 फिल्मों की डील यशराज के साथ ही, जिसमें शुद्ध देसी रोमांस और बायोमिकेश बख्शी बन चुकी है, लेकिन तीसरी मूवी पानी नहीं बन सकी थी क्योंकि यशराज और शेखर कपूर के बीच में क्रिएटिव डिफरेंस था और इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत ने कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलने का फैसला लिया था। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बॉलीवुड इंडस्ट्री पर नेपोटिज्म कितना हावी है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।